नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, सरकार कोरोना के मामलों में नजर रखी हुई है। रोज 75,000 सैंपल ले रही है, 30 लोगों की कॉन्टेक्ट टेस्टिंग बढ़ा रखी है। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखे, एक बार फिर वैक्सीन का महाअभियान चलेगा। साथ ही कहा कि तीसरी लहर की तैयारियां चल रही है, कोई कमी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की राजनीति को नया आयाम दिया, अपनी कार्यशैली से दुनिया में भारत का नाम ऊंचा उठाया है। परमाणु के साथ देश की शक्ति बढ़ाई है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उनको आज सभी श्रद्धांजलि दे रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर कहा, कांग्रेस को ऐसे कार्यक्रम में पॉजिटिव कुछ नहीं दिखेगा, वो नकारात्मक देखते हैं। कांग्रेस के नेता ऐशो आराम के लिए नेता बनते हैं, वहीं बीजेपी के नेता जनता का विश्वास और विकास करने के लिए नेता बनते हैं। कांग्रेस का कोई नेता जनता के बीच में नहीं जाता है। वहीं आरिफ मसूद मीडिया में बने रहने के लिए मौन कर रही है, फोटो छपवाने की राजनीति कर रही है। उन्हें देश के मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। जबलपुर डीन के इस्तेमाल पर कहा, हमने पहले भी कहा था, जो गड़बड़ी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल से संवाददाता सहूद सिद्दीकी की रिपोर्ट। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न और इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की राजनीति को एक नया स्थान दिया, एक नई ऊंचाइयों तक इस देश की राजनीति को पहुंचाने का काम किया। इस देश में उन्होंने शुचिता की और सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाया हर स्तर पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, नेता रहे हों, सांसद रहे हों, विदेश मंत्री रहे हों, या फिर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हों। उन्होंने अपने व्यक्तित्व, कृतित्व, कार्यशैली, कार्य पद्धति से इस देश में और देश के बाहर दुनिया में भारत का नाम निश्चित रूप से ऊंचा उठाया। उन्होंने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने में लगातार प्रयास किया और उसी का परिणाम था, जहां विकास की नई अवधारणा को प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव तक विकास पहुंचाने की बात हो, या पोखरण के परमाणु विस्फोट के बाद इस देश का मान और सम्मान और इसकी ताकत बढ़ाने की बात हो, और दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान को सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की बात हो, किसान के कल्याण की बात हो या युवाओं को रोजगार देने की बात हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने निश्चित रूप से इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया। वो हमारे प्रेरणापुंज हैं, वो हमारे नेता हैं। निश्चित रूप से उन्होंने दीनदयाल के अंत्योदय को भी सार्थक किया। हम सब आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए मार्ग पर हम चलेंगे। सर, आज से मुझसे जी के साथ हर परिस्थिति पर दृष्टि रखे हैं। मध्य प्रदेश में इसीलिए कोरोना के टेस्ट में कोई कमी नहीं की गई है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग 70,000 से 75,000 टेस्ट हम लगभग रोज कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोरोना के जो भी पॉजिटिव केस हैं उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके साथ ही हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी अब लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लगभग 30 लोगों की, एक पॉजिटिव से जुड़े हुए 30 लोगों की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, और इन सब के पीछे का मंतव्य यही है कि हम ये सुनिश्चित करें कि संक्रमण ना फैले। इसीलिए लगातार इस बात के भी प्रयास और आग्रह किया जा रहा है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। वैक्सीनेशन, जो कि कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे धारदार हथियार है, वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, और हम इस महीने के आखिरी सप्ताह में 2 दिन का वैक्सीनेशन का महाअभियान फिर से करने वाले हैं, और ये सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि तीसरी वेव ना आए। सर, अटल जी की पुण्यतिथि है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि काफ़ी डैमेज हो चुकी है बीजेपी, इसलिए ये तमाम कोशिश अब वापस शुरू करिए। देखिए, कांग्रेस को तो ऐसे कार्यक्रमों में कभी भी सार्थकता नहीं दिखेगी, क्योंकि वो तो नकारात्मकता की बात करते हैं,
उनके नेता मंत्री बनने के बाद एसी कमरों में बैठते हैं, हमारे नेता मंत्री बनने के बाद जनता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये अंतर है। ये सही मायने में मौल जो बेसिक भारतीय जनता पार्टी का विचार और कांग्रेस के विचार का जो अंतर है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से परिलक्षित होता है। कांग्रेस के नेता ऐशो आराम के लिए राजनीति करते हैं, हमारे नेता मंत्री बनने के बाद जनता के बीच जाकर जनता के कार्यक्रम, सरकार के कार्यक्रम बता के जनता को उससे जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस के नेता मंत्री बनने के बाद केवल हवाई जहाजों में घूमते हैं, हमारे नेता सड़क पर जाकर जनता के घर घर जाकर जनता का आशीर्वाद लेकर उन्हें विकास और कल्याण की राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। तब कांग्रेस ऐसे कार्यक्रमों की तारीफ क्यों करेगी, क्योंकि ये तो कांग्रेस के मूल जो पद्धति है उसके खिलाफ है। नेहरू परिवार हो या कांग्रेस का कोई और नेता हो, आप बताइए कौन जनता के बीच गया? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने केवल ऐशो आराम किया, अपने बंगलों में रहकर एसी कमरों में बैठकर जनता के पैसे से ऐश करना ये कांग्रेस की आदत है। भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस बात को फिर स्थापित किया है कि भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी विद डिफरेंस है, कि हमारे केंद्रीय मंत्री यदि बनते हैं तो वो केंद्रीय मंत्री केवल एसी कमरों में बैठकर बात नहीं करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता की नब्ज़ पकड़ेंगे, जनता की के साथ अपनी सरकार की नीति रीति को साझा करेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। सर, तीसरी लहर को लेकर लगातार दावे कर रही सरकार के तैयार से महिला कांग्रेस की इस्तीफा दिया। देखिए, कांग्रेस तो डूबती हुई नैया है और जिस जहाज में कैप्टन का पता ना हो उस जहाज में यात्री कैसे चल सकेंगे। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने महिलाओं का सम्मान किया और ख़ासकर राहुल गांधी ने एक सीरीज चलाई है इस देश की महिला और महिला समाज के अपमान करने की, उसी से मुझे लगता है कि पीड़ित होकर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने भी इस्तीफा दिया है। ये अपने आप में गंभीर इसलिए है कि कांग्रेस में हम लगातार देख रहे हैं, अभी G23 की मीटिंग हुई, 23 कांग्रेस के नेताओं ने नेहरू परिवार के खिलाफ आवाज़ उठाई, कपिल सिब्बल जी ने ये पार्टी का आयोजन किया, उस समय भी ये बात आई थी कि कांग्रेस में नेतृत्व की बहुत दिक्कत है, कांग्रेस में ना नीति है, ना नेता है, ना उसकी नीयत साफ है, और इसीलिए महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी का इस्तीफा भी नेहरू परिवार को सीधे सीधे चुनौती देने का है। अब नेहरू परिवार को समझना चाहिए कि वो राजनीति से संन्यास ले और कांग्रेस को अपनी साम्राज्यवादी नीति से मुक्त करें। सर, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में लीन ने इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव की तैयारी में रहती है। चुनाव की तैयारी का मतलब है जनता के बीच जाना, जनता की समस्याओं का निदान करना, और हमारी सरकार, हमारे नेता और हमारा संगठन लगातार जनता के बीच रहकर ही काम करता है। इसलिए कोई उपचुनाव के लिए हमें अलग से तैयारी करना ऐसा नहीं है, पर निश्चित रूप से उपचुनाव है तो हमें पूरी रणनीति पर विचार करना है, समीक्षा करनी है, इसलिए हर स्तर पर हमारे नेता उपचुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि अब मध्य प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। इसलिए चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होते हुए प्रदेश और देश की सेवा करेगी। सर, कांग्रेस में लगातार पलायन जारी है कांग्रेस में। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे KKR न्यूज के साथ और देखते रहे KKR न्यूज, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।